यूपी सरकार भले ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लाख दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन जिले में सरकार की नीति नियत और दावे को भ्रष्टाचारी पलीता लगा रहे हैं। गोंडा जिले के परसपुर ब्लॉक का मामला जहां पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला निकल कर सामने आया। आपको बता दें कि परसपुर ब्लॉक में विकास के नाम पर 12,50,00,000 गबन कर लिए गए, जो कि 68 ग्राम सभा में विकास के नाम पर प्रधान और सेक्रेटरी ने भ्रष्टाचार की इबारत लिखी। विकास खंड परसपुर ने जिला लेखा परीक्षा अधिकारी जो हमारे हैं, इनके द्वारा एक लेटर दिया गया है कि 2019-2020 की जो ऑडिट होती है, प्रतिवर्ष ऑडिट ऑनलाइन होती है, वो डेट फिक्स करते हैं, उसमें अपेक्षा की जाती है कि वो ऑडिट के दिन जो टाइम है वो अपने अभिलेख सचिव ऊपर उनको उपलब्ध कराए, लेकिन 68 ग्राम पंचायतों में ऑडिट के अभिलेख ऑडिटर संबंधित ऑडिटर को नहीं उपलब्ध कराए गए।